निम्स यूनिवर्सिटी के पास स्मैक बेचते दो गिरफ्तार, सब्जी के ठेले की आड़ में बेच रहे थे स्मैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। चंदवाजी थाना पुलिस ने सब्जी के ठेले की आड़ में निम्स यूनिवर्सिटी के पास स्मैक बेचते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी जितेंद्र गंगवानी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दास शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, पदाधिकारी लाखन सिंह मीणा के सुपरविजन में थाना अधिकारी जितेंद्र गंगवानी के नेतृत्व में गठित टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्मैक बेचते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक शंकर दास शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि निवेश यूनिवर्सिटी के पास जुगलपुरा रोड पर एक व्यक्ति सब्जी के ठेले की आड़ में स्मैक की पुड़िया बनाकर बेच रहा है, जिस पर थाना अधिकारी जितेंद्र गंगवानी के नेतृत्व में टीम ने जाकर देखा तो एक व्यक्ति सब्जी ठेले की आड़ में स्मैक बेच रहा था। आरोपी मनोज कुमार नायक पुत्र मंगलराम निवासी जुगलपुरा अपने ग्राहक उमेद खान निवासी अचरोल को अवैध मादक पदार्थ स्मैक की पुड़िया बनाकर बेच रहा था, जिस पर दोनों को पुलिस ने टीम ने धर दबोचा। उमेद खान के कब्जे से 1.80 ग्राम स्मैक में मनोज कुमार के कब्जे से 3 ग्राम स्मैक मिली, जिसको पुलिस ने बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने NDPS में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में अनुसंधान जारी है। जय हिंद।